हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 7th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री लेसन नंबर 8, एन आइडियल रूलर। इस लेसन का सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया। स्टूडेंट, अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पर जाके फर्स्ट पार्ट को भी ज़रूर देखिए, और जो प्रीवियस लेसन है उनके भी वीडियो आपको मिलेंगे, उनको भी ज़रूर देखिए। तो चलिए आज का जो रिमेनिंग पार्ट है लेसन का वो देखते हैं। ग्रेटनेस ऑफ महाराज वर्क। महाराज इस्टेब्लिश स्वराज वाइल फाइटिंग अगेंस्ट मेनी एनिमीज। तो देखिए, जैसे कि हमने पहले भी देखा है कि शिवाजी महाराज ने जब स्वराज बनाया था तो काफ़ी सारे के उनके एनिमीज थे, उनके अगेंस्ट उन्होंने फाइट करके स्वराज अपना बनाया था। दिस एक्शन इट्सेल्फ प्रूव्स दैट ही वाज अ पायनियर ऑफ अ न्यू एरा। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं वो प्रथम क्रांतिकारी थे, या फिर प्रथम वो ऐसे राजा थे कि उनसे ये न्यू एरा स्टार्ट हुआ था। बट बिसाइड दिस एक्शन मेनी अदर नोबल क्वालिटीज़ आर फाउंड इन हीज पर्सनैलिटी। तो उनके पर्सनैलिटी में कई सारे क्वालिटीज़ हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो कौन से ये हम देखेंगे आगे। महाराज वॉज वेरी इंटेलिजेंट, ही हैड मास्टर्ड मेनी आर्ट्स, ही वॉज कन्वर्सेंट विथ मेनी लैंग्वेजेस एंड स्क्रिप्ट। तो देखिए, शिवाजी महाराज जो है सिर्फ एक अच्छे राजा ही नहीं थे, उनके उनके कैरेक्टर में कई सारे अलग क्वालिटीज़ थी, जैसे कि वो काफ़ी इंटेलिजेंट भी थे, उनके पास कई सारे आर्ट्स उनको आते थे, और वो कन्वर्सेंट मतलब जानकार थे कई सारे लैंग्वेजेस के, उनको कई सारे लैंग्वेजेस और स्क्रिप्ट पता थी। द टीचिंग्स ऑफ हिज पेरेंट्स टूवर्ड्स द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्वराज एंड एथिक्स वेयर डीपली इंस्टिल इन हीज माइंड्स। तो देखिए, उनके जो पेरेंट्स थे जैसे कि शाहजी महाराज और जीजा माता, इन्होंने उनको जो भी टीचिंग्स दिए थे, जो भी चीज़ें उन्हें अच्छी बातें जो सिखाई थी स्वराज के इस्टेब्लिशमेंट के लिए, तो वो जो एथिक्स थे, जो आचार विचार थे, उनके माइंड में काफ़ी अच्छे से डीपली इंस्टिल हो चुके थे, और उसी के अनुसार वो क्या करते थे, अपना काम करते थे। देयर वॉज ए ब्लेंड ऑफ कैरेक्टर एंड स्ट्रेंथ, नोबेलिटी एंड वैलर इन हिज पर्सनैलिटी। तो देखिए, उनके कैरेक्टर हमें स्ट्रेंथ दिखती है, नोबेलिटी मतलब महानता दिखती है, और वैलर हमें उनके पर्सनैलिटी में देखता है। तो देखिए, एक ही इंसान में इतनी सारी कैरेक्टरिस्टिक, इतनी सारी हमें चीज़ें जो अच्छी गुण होते हैं वो हमें यहाँ पे दिखते हैं। He had innumerable qualities like leadership. तो देखिए, leadership कैसे कि जब उन्होंने सोचा था कि हमें स्वराज बनाना है, तो उस time कुछ लोग उनके साथ में थे जो माहौले थे, तो उनकी leadership अच्छी थी, इसके लिए सारे लोग उनसे जुड़े, और फिर ये स्वराज बनाने का जो काम था उन्होंने शुरू किया था। तो इसे हम कह सकते हैं कि वो एक अच्छे लीडर थे। मैनेजमेंट उनका काफ़ी अच्छा था। फोरसाइट मतलब दूरदर्शिता जो होती है कि दूर का सोचते थे, उसका उनका जो दृष्टिकोण था हमेशा सोचने का, ये काफ़ी अच्छा था। पॉलिटिकल डिप्लोमेसी मतलब राजनीति जो होती है वो उनको काफ़ी अच्छे से आती थी। इफेक्टिव पॉलिसी अबाउट रीजनल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। तो जैसे कि हमने लेसन में ऑलरेडी देखा, और प्रीवियस लेसन में भी देखा कि किस तरीके से उन्होंने अपनी मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन रखा हुआ था। कमिटमेंट टू ट्रूथ एंड जस्टिस, और वो हमेशा सत्य और न्याय के साथ ही चलने वाले थे। एटीट्यूड ऑफ इक्वलिटी, सारे लोगों को हमेशा वो समान मानते थे। विजुअलाइजेशन ऑफ फ्यूचर एक्टिविटीज़, तो सिर्फ आज का ही वो नहीं सोचते थे कि फ्यूचर में जो एक्टिविटीज़ हमें काम आने वाली है या फिर लोगों को उनसे फ़ायदा होने वाला है, ऐसे ही काम वो करते थे। द स्किल ऑफ सीइंग इज प्लांट मेंटोर थ्रू राइजिंग ओवर द कैलमिटीज़ विदाउट गिविंग अप। तो जैसे कि देखिए, कभी कभी ऐसे हो जाता कि ये हमेशा क्या होते थे, जागरूक रहते थे। उनके जो भी प्लान है, अगर कोई भी चीज़ करनी होती थी उनके बारे में वो प्लान करके रखते थे, उनके बारे में सोच के रखते थे, और ऐसे कोई कैलमिटीज़ मतलब अगर कोई विपदा आती थी या पर कोई भी प्रॉब्लम्स आते थे तो वो ईजिली गिव अप नहीं करते थे। अलर्टनेस, विजिलेंस एंड सो ऑन। तो देखिए, यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमें दी हुई है कि शिवाजी महाराज के कैरेक्टर में हमें इतनी सारी जो क्वालिटीज़ है वो दिखती है। ही यूज टू पनिश दो सेवरली हु वुड मिसबिहेव विथ वुमेन। तो देखिए, यहाँ पे जो लोग वुमेन्स के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करते थे उनको वो हमेशा पनिश करते थे। ही यूज टू टेक केयर ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी लाइक अ फार्मर्स, क्राफ्ट्समैन, सोल्जर्स, ट्रेडर्स, मर्चेंट्स एक्सेट्रा। क्योंकि अगर सोसाइटी अच्छे से बननी चाहिए या फिर कोई राज्य बनता है तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट अगर कोई होते हैं तो फार्मर्स होते हैं, क्राफ्ट्समैन, सोल्जर्स, ट्रेडर्स और मर्चेंट्स, यही लोग क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये जो सोसाइटी के सेक्शन होते थे उनको वो काफ़ी अच्छे से उनकी देखभाल करते थे। ही यूज़ टू हैव द सेम रिस्पेक्ट फॉर पीपल ऑफ अदर रिलीजन दैट ही हैड फॉर पीपल ऑफ हिज ओन रिलीजन। तो देखिए स्टूडेंट, जो शिवाजी महाराज थे ये क्या करते थे, जो अपने रिलीजन के लोग होते थे उनको जिस तरीके से रिस्पेक्ट देते थे, उसी तरीके से रिस्पेक्ट वो बाकी रिलीजन के लोगों को भी हमेशा देते थे, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेद नहीं करते थे, वो कोई भी भेदभाव नहीं रखते थे किसी भी रिलीजन में। ही इवन इस्टेब्लिश फैमिली बॉन्ड्स विद देम। वो क्या करते थे, जो भी अदर रिलीजन के लोग हैं उनके साथ काम करने वाले हैं तो उनके साथ एक फैमिली बॉन्ड रखते थे हमेशा।
he brought back into Swadharma their original religion. Person who had converted to another religion, though there was an opposition to such a reconversion at that time. तो देखिए स्टूडेंट, उस टाइम क्या होता था, अगर कोई राजा किसी भी एनिमी टेरिटरी पे राज करता था तो वहाँ के जो लोग होते थे उन पे ज़बरदस्ती उनका धर्म चेंज किया करते थे, रिलीजन को चेंज कर दिया जाता था. लेकिन शिवाजी महाराज क्या करते थे, अगर उन्होंने कोई एनिमी टेरिटरी जीता है तो वहाँ के लोग अगर स्वधर्म मतलब उनका जो ओरिजिनल रिलीजन है उसमें अगर आना चाहते थे तो वो वहाँ पे उन्हें परमिशन देते थे. At that time, there was opposition on religious ground to crossing the seas. Eight the built sea fort like a Sindhudurga and created a navy. तो जैसे आपको पता है, हमने पहले भी देखा कि कितने सारे forts उन्होंने बनाए थे स्वराज में, तो उसमें sea fort भी बनाए थे जो आपको यहाँ पे दिया है सिंहदुर्ग. तो ये उन्होंने सी में बनाया था. उसके बाद जो नेवी बनाई थी कि सीज में जो इन्वेजन होने लगा था, बाहर के जो फॉरेन जो एनिमीज थे उनका इन्वेजन होने लगा था, उनको रोकने के लिए यहाँ पे महाराज ने नेवी भी अपनी क्रिएट की थी. दिस मीन्स दैट ही हैड मेड प्रिपरेशन फॉर काउंटरिंग फॉरेन इन्वेजन दैट केम फ्रॉम दी सी. जैसे कि मैंने अभी बताया कि अगर फॉरेन इन्वेजन होने लगा था उसे रोकने के लिए उन्होंने नेवी क्रिएट की थी. ही बिकेम द रूलर ऑफ स्वराज ऑफिशियली थ्रू हिज करोनेशन. तो जब से उनका राज्याभिषेक हुआ था वो ऑफिशियली क्या हुए थे, रूलर हुए थे स्वराज्य के. ही लेटर हैड अ सेकेंड करोनेशन फ्रॉम, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट, अ डिफरेंट रिलीजियस पर्सपेक्टिव. ऑल दिस एक्शन शो हिज रिवोल्यूशनरी एस्पेक्ट इन द फील्ड ऑफ रिलीजन. तो देखिए रिवोल्यूशनरी एस्पेक्ट मतलब एक क्रांतिकारी बदलाव जिसे हम कह सकते हैं, वो हमें यहाँ पे दिखता है कि जो राजा, जैसे कि बाकी सारे राजा लोग करते आ रहे थे काम, उन्होंने यहाँ पे क्या किया है, चेंज किया है कि किसी की रिलीजन को वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करते थे. अगर लोग उनके स्वधर्म में आना चाहते थे तो उनके लिए परमिशन भी देते थे और सारे लोगों के साथ इक्वली ही बिहेव करते थे. तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे उनमें अलग थी. व्हेन देयर वर थ्रेट्स टू स्वराज ही वुड फेस देम विथ और विदाउट हिज एसोसिएट्स. तो देखिए अगर किसी तरीके के प्रॉब्लम स्वराज के लिए क्रिएट होते थे तो उनको वो हमेशा फेस करते थे विथ जो एसोसिएट्स उनके होते थे, साथी होते थे उनके साथ करते थे, या फिर विदाउट हिज एसोसिएट्स वो क्या करते थे, हमेशा फेस करते थे. ड्यू टू दिस इवन हिज एसोसिएट्स वेयर रेडी टू सैक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर स्वराज. तो देखिए अगर उनके जो एसोसिएट थे उन्हें ये भी पता था कि अगर छत्रपति शिवाजी महाराज कुछ करते हैं तो स्वराज के लिए करते हैं और अपने लोगों के लिए करते हैं, इसीलिए उनके जो साथी थे हमेशा अपने लाइफ के साथ भी सैक्रीफाइस करने के लिए रेडी होते थे, उनके साथ काम करने के लिए रेडी होते थे. ऑफकोर्स हिज ग्रेटनेस वॉज नॉट कन्फाइंड टू क्वालिटी ऑफ फेसिंग कैलेमिटीज ब्रेवली एंड फेयरलेसली. तो इतने वो महान थे कि किसी भी तरीके की विपदा आपदा, अगर कोई भी विपत्ति उन पे आती थी वो ब्रेवली एंड फेयरलेसली मतलब निडर होकर उसका सामना करते थे. ही वॉन्टेड टू हैव एन एथिकल क्वालिटेटिव बेस टू दी स्वराज. तो वो हमेशा चाहते थे कि एक अच्छा बेस बने, अच्छे क्वालिटी का बेस बने हमारे स्वराज के लिए, जिसके कारण लोगों के कल्याण के काम हम कर सकते हैं, हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन होंगे उनका भी फ्यूचर अच्छा हो सकता है. इसके लिए वो हमेशा चाहते थे कि स्वराज का जो बेस होगा वो एथिकल एंड क्वालिटेटिव होगा. दैट इज़ वाई ही वुड गिव ऑर्डर्स इवन रिगार्डिंग माइनर इशूज़ अलॉन्ग विद द इम्पोर्टेंट वंस. तो अगर कोई माइनर इशूज़ भी होते थे वो अपना ध्यान वहाँ पर लगा के काम करते थे. द ऑर्डर दैट प्रोहिबिटेड सोल्जर्स फ्रॉम टेकिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम द फील्ड्स ऑफ द पेजेंट्स बाय फोर्स इज एग्जेम्पलरी फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू. अगर जो सोल्जर्स होते थे वो फार्मर से, अगर फार्म से उनके वेजिटेबल ज़बरदस्ती निकाल के लाते थे तो यहाँ पे वो ऑर्डर देते थे कि इस तरीके से सैनिक काम नहीं कर सकते है. द रेस्ट्रिक्शन ऑन द कटिंग ऑफ ट्रीज एनफोर्स बाय हिम आर ऑल्सो नोटवर्दी. तो उन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगाए थे ट्रीज कट करने के लिए, क्योंकि हमें पता ही है कि ट्रीज कितने इंपॉर्टेंट होते हैं. तो शिवाजी महाराज ने भी वहाँ पे लोगों को रेस्ट्रिक्शन लगाए थे कि कोई भी पेड़ों को नहीं काटेगा. यहाँ पे भी आपको दिया है थिंक अबाउट इट में, वाई इज इट नेसेसरी टू ग्रो ट्रीज. तो आपको इसका आंसर इजीली आ जाएगा कि ट्रीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं और क्यों हमें ग्रो करने चाहिए. नेक्स्ट है, ही हैड ऑर्डर दैट द गार्बेज ऑन द फोर्ट शुड बी बर्नड इन एन अलॉटेड स्पेस विदाउट डंपिंग इट एल्सवेयर. तो उन्होंने ऑर्डर दिए थे कि जो भी गार्बेज निकलेगा फोर्ट का, जो भी कचरा निकलेगा उसे जलाना है जहाँ पे कि अलॉटेड स्पेस, जो स्पेस उसके लिए दी है वहाँ पर ही उसको जलाना है, इधर उधर कचरा डंपिंग नहीं बढ़ाना है या फिर इधर उधर कचरा नहीं डालना है. एंड वेजिटेबल शुड बी ग्रोन ऑन इट्स एश. और उसकी जो भी राख बनेगी
यहाँ पे कचरा जलने के बाद तो वहाँ पे क्या करना चाहिए, वेजिटेबल्स ग्रो करनी चाहिए. इट बिकम्स क्लियर फ्रॉम दिस फैक्ट दैट ही वुड पे क्लोज अटेंशन टू द माइन्यूटेस्ट डिटेल वाइल इस्टेब्लिशिंग स्वराज. तो ये सारी चीज़ें देखकर हमें यही समझ में आता है कि कितनी छोटी छोटी चीज़ें होती थी उनकी तरफ भी उन्होंने अच्छे से ध्यान दिया था, अपना अटेंशन दिया था. ही वॉज नॉट जस्ट अ वॉरियर बट अल्सो स्कल्प्टर हु क्रिएटेड अ न्यू इंडिपेंडेंट एथिकल एंड कल्चरल सोसाइटी. तो वो सिर्फ एक वॉरियर नहीं थे, सिर्फ लड़ाई करना ही उनका काम नहीं था या फिर प्रदेश जीतना ही उनका काम नहीं था, लेकिन कुछ नई चीज़ें सीखना, लोगों को इंडिपेंडेंट बनाना, कुछ अच्छी चीज़ें सोसाइटी में इनकल्केट करना, ये काम उन्होंने किए थे. हीज ग्रेटनेस इज कॉम्प्रेहेंसिव. तो उनकी महानता के बारे में अगर हम कहेंगे तो समय हमें कम हो जाएगा. इन आवर नेशनल मूवमेंट महाराज वॉज अ ग्रेट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन. तो इसीलिए उनकी जो नेशनल मूवमेंट थी, ये सारे जो उनकी कैरेक्टर्स थी, उनकी जो क्वालिटीज थी, उसके कारण ये अच्छे इंस्पिरेशन सोर्स बन चुके थे सारे लोगों के लिए. इन हिज स्ट्रगल फॉर इक्वेलिटी महात्मा ज्योतिराव फुले डिस्क्राइब इन हिज पोवाड़ा द ग्रेटनेस ऑफ शिवाजी महाराज. तो देखिए कई सारे लोगों ने उनके लिए पोवाड़ा गाए, उनके लिए पोवाड़ा बनाए थे, उसमें एक थे महात्मा ज्योतिराव फुले जिन्होंने डिस्क्राइब किया था उनके बारे में एक पोवाड़ा में. तो देखिए आपको नीचे दिया है, महात्मा ज्योतिराव फुले कंपोज अ पोवाड़ा इन 1869 CE ऑन शिवाजी महाराज, अ पार्ट ऑफ इट इज गिवन हियर. तो कुछ पार्ट आपको यहाँ पे दिया है मराठी में. शिवाचा गजर जयनामाचा झेंडा रोविला, क्षेत्र्याचा मेळा मावळ्याचा शिकार खेळला, माते पायी ठेवी डोई गर्व नाही काडीचा, आशीर्वाद घेई आईचा, आला बला घेई आवडता होतो जिजीचा, पोवाड़ा गातो शिवाजीचा, कुळवाड़ी भूषण पवाड़ा गातो भोसल्याचा छत्रपति शिवाजीचा. तो इस तरीके से मराठी में उन्होंने पवाड़ा लिखा है. पवाड़ा मतलब अगर किसी राजा के बारे में या फिर यहाँ पे शिवाजी महाराज के बारे में उनको डिस्क्राइब करने के लिए, उनकी अच्छी चीज़ें डिस्क्राइब करने के लिए अगर कोई पोएम के जैसे बनाते हैं तो उसे पवाड़ा कहा जाता है. तो यहाँ पर उन्होंने पवाड़ा यही दिया है कि किस तरीके से उन्होंने स्वराज बनाया है, उसके लिए किस तरीके से उन्होंने काम किए हैं. और यहाँ पे माते पाई ठेवी डोई गर्व नहीं काढ़ीचा मीनिंग होता है कि एक राजा होने के बाद भी उन्हें कोई गर्व नहीं था. वो हमेशा अपनी माता से डिस्कस करते थे किसी भी बात को लेकर, राजनीति के लेकर, और उनकी जो परमिशन होती थी, उनके ऑर्डर्स डिस्कस करने के बाद उनकी राय जो होती थी उसी पर ही वो अमल करते थे. तो इसी तरीके से ये पोवाड़ा आपको यहाँ पे दिया हुआ है. लोकमान्य तिलक ब्रॉट अबाउट नेशनल अवेकनिंग थ्रू द मीडियम ऑफ शिव जयंती सेलिब्रेशन. जैसे कि हमें पता है शिव जयंती सबसे पहले सेलिब्रेट करना किसने शुरू किया था, लोकमान्य तिलक. उन्होंने ही हमें समझाया था कि नेशनल अवेकनिंग, हमारे राष्ट्रीय एकता, इसके बारे में जानने के लिए या फिर शिवाजी महाराज के जो क्वालिटीज़ थे उनको लोगों को बताने के लिए उन्होंने शिव जयंती सेलिब्रेट करना शुरू किया था, जो कि आज भी हम लोग शिव जयंती सेलिब्रेट करते हैं. लाला लाजपत राय वॉज रिटन अ बुक अबाउट द ग्रेटनेस ऑफ महाराज. तो जो लाला लाजपत राय थे इन्होंने भी शिवाजी महाराज के लिए बुक लिखा था. द ग्रेट तमिल पोएट सुब्रमण्यम भारती हैज़ रिटन अ पोयम अबाउट एन इमेजिनरी इंसिडेंट इन विच शिवाजी महाराज टॉक टू हिज एसोसिएट. तो जो तमिल पोएट थे, कवि थे सुब्रमण्यम भारती, इन्होंने भी बुक लिखा है इमेजिनरी इंसिडेंट. मतलब जैसे कि अगर कोई इंसिडेंट हमें पता है तो उसमें वो किस तरीके से उन्होंने बात की होंगी अपने साथियों से, उस तरीके से उन्होंने पोयम लिखा है. विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर हैज़ रिटन लॉन्ग पोयम ऑन महाराज. टैगोर सीज हिज एफर्ट्स टू फाउंड स्वराज एज एफर्ट्स फॉर रियलाइजिंग अ नोबल कॉज. सर जदुनाथ सरकार हैज़ प्रेज हिज अचीवमेंट इन हिज बुक शिवाजी एंड हिज टाइम्स. तो यहाँ पे उन्होंने भी बुक लिखा है जिसका नाम है शिवाजी एंड हिज टाइम्स. पंडित जवाहरलाल नेहरू हैज सेड दैट महाराज डिड नॉट बिलोंग टू महाराष्ट्र अलोन, ही बिलोंग टू द होल इंडियन नेशन. तो देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे फर्स्ट पंतप्रधान थे, उन्होंने क्या कहा है यहाँ पे कि वो सिर्फ महाराष्ट्र के ही नहीं थे, पूरे कंट्री के लिए क्या है, गर्व की बात है. ही वॉज ए सिंबल ऑफ मेनी वर्चूज मोर स्पेशली ऑफ लव ऑफ कंट्री. तो जैसे कि एक देशभक्त होता है जिसे अपने देश की चिंता होती है, उसी तरीके से उन्हें बोला गया है यहाँ पे. All Indian languages have works that talk about him as an ideal ruler and a source of inspiration. तो इंडिया के कई सारे languages में उनके work को बताया गया है कि वो क्या है, एक ideal ruler थे and source of inspiration थे सारे लोगों के लिए. Future generation too will continue to look upon these work of Shivaji Maharaj of founding the स्वराज एंड टर्निंग इट इंटू सुराज्य एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एज एन आइडियल. तो हमारी जो फ्यूचर जनरेशन होगी उनको भी शिवाजी महाराज की ये हिस्ट्री पता चलेगी और किस तरीके से उन्होंने एक स्वराज बनाया जिसे उन्होंने सुराज्य मतलब एक अच्छा राज्य बनाया था और सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनाया था, एक आइडियल राज्य उन्होंने बनाया था. शिवाजी महाराज वॉज अ ग्रेट नेशनल हीरो और इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है, ग्रेट नेशनल हीरो. तो देखिए स्टूडेंट, शिवाजी महाराज के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी आपको इस लेसन से मिलती
लिए है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।